नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिक विक्रा चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले बीएसएफ हेडकास्ट आर ओ आर एम 2019-2020 जो भर्ती प्रोसेस में चली है फ्रेंड्स। और यहां पर 2 फरवरी से आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं फ्रेंड्स। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, यानी कि ये वीडियो आपको काफ़ी मोटिवेट करने वाली है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स को कैसे क्लियर करना है, 8 पॉइंट्स यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट्स, जो आपको एग्जाम में काफ़ी सहायता देने वाले हैं। और जो चाहिए तो फ्रेंड्स टारगेट आपको एग्जाम या फिर हम दोनों में से एक चुनना होगा, ठीक है। यानी कि यह तो एग्जाम गया या फिर हम, यानी कि बाहर दोनों में से एक होना है, एग्जाम या फिर हम, ठीक है। यानी कि बाकी दिनों में क्या करना है आपको, सभी पॉइंट्स यहां पर बताने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो बनते हैं, प्लस आज हमसे जुड़ जाए तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर बीएसएफ हेडकांस्टेबल डिस्क्रिप्टिव एग्जाम 2020 सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहां पर, नो निगेटिव मार्किंग। तो फ्रेंड्स बच्चों के लिए काफी अच्छी बात है यहां पर कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फ्रेंड्स आपको जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन दिए गए हैं सभी को सोल्व करना है, ठीक है। यानी कि उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यदि आपका 5 नंबर क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स वहां पर आपको 1 से 2 या 2 से 3 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। इससे टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन जैसा भी आपको करना है छोड़ना कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो सबसे प्रॉफिट वाली बात है नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। सेकंड देखते हैं यहाँ पर फेज 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1 है फेज 1, यानी कि फेज 1 से संबंधित जो हमारे फेज 1 में क्वेश्चन आए थे फ्रेंड्स, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन आए थे उनसे संबंधित चैप्टर आपको देख लेने हैं, ठीक है। यानी कि फेज 1 का एग्जाम उठाइए फ्रेंड्स और उसमें देखिए कि क्वेश्चन हमारे किस चैप्टर से अधिक आए हैं, उन चैप्टर को आपको अधिक पढ़ना है, ठीक है। यानी कि जो हमारा नोटिफिकेशन में दिया गया है, नोटिफिकेशन में 12th स्टैंडर्ड का दिया गया है, 12th स्टैंडर्ड से एक्स्ट्रा भी आपको फेज 1 वाले चैप्टर को देख लेना है, ठीक है। यानी कि इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन वहाँ से उठा लेने हैं, कहीं ना कहीं ये आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड से अलग, तो फ्रेंड्स 12th स्टैंडर्ड का जो बोला गया है नोटिफिकेशन में, ये 10 प्लस 2 यानी कि दोनों क्लासों से यहाँ पर क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, ठीक है। और जो आपको काफ़ी प्रॉब्लम में कर सकते हैं, तो इसलिए आपको फेज 1 से संबंधित क्वेश्चन भी देख लेने हैं 12th स्टैंडर्ड से अलग, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास नो कन्वर्सेशन। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों रहने वाला है, क्योंकि सपोज करो आप एग्जाम हॉल में बैठे और वहाँ पर 2 बच्चे हैं आगे पीछे, और वहाँ पर एक बच्चा दूसरे बच्चे से पूछ लेता है, बात करता है, तो बात करने से वहाँ पर पनिशमेंट तो मिलता ही है, लेकिन वहाँ पर जो क्वेश्चन एक दूसरे को बताए जाते हैं वे सही नहीं बताए जाते, ठीक है, जिससे कि आपको लॉस हो सकता है। और जो हमारा बताता है वो गलत ही बताने की कोशिश करता है, जिससे कि दूसरे के नंबर कम आ जाए और इससे हमें नुकसान हो जाए। तो फ्रेंड्स आपको कन्वर्सेशन नहीं करनी है, किसी से बात नहीं करनी है, जो आता है केवल वही करना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कंप्लीट एग्जाम सॉल्व। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कैसे भी आए, इजी आए, मॉडरेट आए या फिर टफ आए, ठीक है, यानी कि सभी क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करनी है। कोशिश तो कर सकते हो, कोशिश करनी है लगातार, और चाहे आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन वहाँ पर करने की कोशिश करनी है, जिससे कि आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ नंबर बढ़ ही जाएंगे, कम नहीं होंगे, ठीक है। कम वहाँ होते हैं जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सपोज करो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, तो आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का रूप में आंसर दे सकते हो। लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है तो उसका वेरी शॉर्ट के रूप में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में उसका आंसर दे सकते हो, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाए और आपको प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। आपको कंप्लीट एग्जाम सोल्व करना है, ठीक है, जो पेपर आएगा उसको कंप्लीट सोल्व करना है। इसके बाद देखते हैं बच्चे पूछते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन कितने आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यदि हमारे जो क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आते हैं, तो फ्रेंड्स वहाँ पर 20 से 30 क्वेश्चन के बीच में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये एग्जाम ऐसे होने वाला है जैसे 10th और 12th का एग्जाम होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 10th और 12th के एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, ये एवरेज रहता है 20 से 30 क्वेश्चन के बीच में वहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। यदि हमारे क्वेश्चन ईजी शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आते हैं, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आने वाले हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स का मतलब यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन को 100% सम्मिलित किया जाएगा और जो आपको एक्सप्लेन करने होंगे, ठीक है। यानी कि 20 से 30 क्वेश्चन का यहाँ पर एवरेज दिया गया है। और कुछ बच्चे बोलते हैं कि प्रैक्टिस सेट भी कराइए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम तक 3 से 4 यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हम डाल देंगे, लगभग आज या कल आपको एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है। और यदि और भी कमेंट करना चाहते हो किसी बात में तो फ्रेंड्स कमेंट कर सकते हो, किसी भी चीज़ का मटेरियल चाहिए तो कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर 6 पॉइंट क्या आता है, यानी कि आपके क्वेश्चन कितने आते हैं। सपोज करो 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन में से आप पे केवल 15 ही क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, तो 15 क्वेश्चन को सबसे पहले आपको क्लियर करना है, भले ही वो आगे पीछे हो जाए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको सबसे पहले वही क्वेश्चन करने हैं जो आपसे आते हैं। और जो 15 क्वेश्चन हमारे बैलेंस बच जाते हैं उनमें से आपको क्या करना है,
उनसे संबंधित भले क्वेश्चन दूसरा हो लेकिन उनसे संबंधित आपको डेफिनेशन वहाँ पर तैयार कर देनी है, ठीक है। यदि फ्रेंड्स आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा है तो आप शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में वहाँ पर तब्दील कर सकते हो, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी वहाँ पर कुछ परसेंट लिख सकते हो, कुछ परसेंट, ज़्यादा नहीं, कुछ परसेंट लिख सकते हो, जिससे कि आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ 2 से 3 नंबर या कुछ नंबर का प्रॉफिट हो जाए। तो फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल मत भूलना कि जो हमारे बैलेंस क्वेश्चन बच जाते हैं उनको आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन की डेफिनेशन में तब्दील कर सकते हो, यानी कि वहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन की डेफिनेशन भी तैयार कर सकते हो, लेकिन कुछ परसेंट, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा में तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर इससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स को निकालने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर 7th जो पॉइंट आता है, क्लियर राइट, यानी कि आपको जो लिखना है फ्रेंड्स वहाँ पर राइटिंग आपको साफ सुथरी रखनी है। क्यों रखनी है? क्योंकि वहाँ पर यदि आपका क्वेश्चन सही है, बिल्कुल राइट है, और राइट होने के साथ साथ आपने राइटिंग बहुत गंदी लिखी है, तो फ्रेंड्स वहाँ पर नंबर आपके काटे जा सकते हैं कुछ परसेंट। एक पॉइंट काट लो या फिर 1 या 1.5 नंबर काट ले जाए तो फ्रेंड्स आपको नुकसान हो सकता है, वहाँ पर राइटिंग अपनी अच्छी करनी होगी, ठीक है, जिससे कि आपको प्रॉफिट हो जाए, नुकसान न हो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, एग्जाम में जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स होने वाला है 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बताए गए हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम कौन कौन से क्वेश्चन डाल सकते हैं, जैसे क्वाड्रिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण से संबंधित क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, एल्जेब्रा से संबंधित क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। हमने फ्रेंड्स सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित एक वीडियो डाली है, वहाँ पर आप देख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आपको देख लेने हैं, और उसके बबाद मेंसुरेशन से संबंधित क्वेश्चन हम यानी कि 1 से 2 वीडियो 2 से 3 वीडियो हम डाल देंगे, जल्दी डालने वाले हैं, आज डाल दे या फिर कल डाल दे। और फ्रेंड्स ये देख लेना क्वार्टर की इक्वेशन और एलजेब्रा संबंधित कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपको देख लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, और जब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स हो और ये क्वेश्चन ना आए तो फ्रेंड्स ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के आने के चांस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि यहीं से बच्चों को छांटा जाता है, ठीक है। यानी कि जो सिलेबस दिया जाता है, सिलेबस से एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब दिए जाते हैं तो वहीं से बच्चे हमारे कम होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वे उनकी स्टडी नहीं करते और जिनके कारण उनको प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर बैलेंस डे, यानी कि जो दिन बचे हुए हैं फ्रेंड्स, जो दिन बाकी बचे हुए हैं उन दिनों में आपको करना क्या है, सबसे पहले रिवीजन करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का, ठीक है। जो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं उनका रिवीजन करना है, और जो इनसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनका रिवीजन आपको करते रहना है, लगातार उनसे जुड़े रहना है, ठीक है। और जो आपकी स्टडी है फ्रेंड्स, वो स्टडी आपको 8 से 10 घंटे की स्टडी करनी होगी, 8 से 10 घंटे की स्टडी करनी होगी, इससे एक्स्ट्रा यदि टाइम बच जाता है 2 से 3 घंटे का तो आप रिवीजन भी कर सकते हो, ठीक है। यदि अब भी कोई पॉइंट्स बचा हुआ है और आपको प्रॉब्लम बनी है तो फ्रेंड्स बिंदास होकर कमेंट कर सकते हो, हम आपके साथ हैं। यदि कोई और भी एक्स्ट्रा मटेरियल्स आपको चाहिए तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम उसकी वीडियो तुरंत आपको प्रोवाइड कर दें। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो बनते हैं, प्लस आज हमसे जुड़ जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।